शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सोयाबीन से। सोयाबीन में देख रहे हैं कि अप्रैल वायदा 6988 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3% की बढ़त है। सोयाबीन में जब हमने आखिरी बार वायदा बाजार को कारोबार करते देखा था, हाई लगाते हुए देखा था, वो 6750 का लगाते हुए देखा था। अब देख रहे हैं 6750 के बाद सोयाबीन सीधे 6988 पर जा पहुंचा है, 7000 के बेहद करीब है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोयाबीन में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी। अनुज जी, सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में तो तेजी है, US सोयाबीन लगातार $1,580 के ऊपर सस्टेन है, फिर ब्राजील और अर्जेंटीना में भी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम रहने का अनुमान है। उसी बीच देख रहे हैं कि NCDEX पर सोयाबीन 6988 पर है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या सोयाबीन बहुत ही जल्द 7000 के भी पार जा सकती है? देखिए अखिलेश जी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं उसकी वजह से सभी एडिबल ऑयल्स में हमने तेजी आते हुए देखी है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं एडिबल ऑयल के। उसकी वजह से हमने देखा है कि सभी खाद्य तेलों में तेजी का रुख रहा है और उसकी वजह से ही सोयाबीन में तेजी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे अभी तक भी जो एडिबल ऑयल है, सोयाबीन है या फिर रिफाइंड है, उनमें असर रहेगा और हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में तेजी का रुख बना रहेगा और जल्दी ही हमें लगता है कि सोयाबीन के भाव 7200 के लेवल को छू सकते हैं। जी, तो यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, 7200 तक के लेवल सोयाबीन में देखे जा सकते हैं अनुज जी के मुताबिक। ये से अनुज जी, बात करें अगर कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है? देख रहे हैं कि 38000 के बाद जो M6 कॉटन है 37 की रेंज में आ चुकी है, 37000 की रेंज में। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कॉटन में अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमने हाई से नीचे आते भाव देखे और मार्केट में भावों में कुछ नरमी रही है। हमें लगता है कि अभी कुछ भाव और नीचे की तरफ आ सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि नीचे 37000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू है कि अभी फिलहाल खरीदारी से रुकना चाहिए, थोड़ा करेक्शन आए 37000 के आसपास तक तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जी अनुज जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3300 तक कीमतें जाती तो दिखी थी लेकिन लेवल टच नहीं हो पाया था, 3298 तक कीमतें ज्यादातर जाती नजर आई थी मैक्सिमम, लेकिन 3300 का लेवल टच नहीं हो पाया था। अब देख रहे हैं कि 3200 के लेवल्स पर ही ट्रेड हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो बिनौला खल में जो रेंज है ये कब तक और देखने को मिलती रहेगी? देखिए बिनौला खल में देखें तो हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा, हालांकि हायर लेवल से कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, ज्यादा तेजी हम इसमें मान के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो आगे धीरे धीरे हरे चारे की डिमांड यहाँ पर रहेगी, क्योंकि हायर लेवल होने की वजह से जनरली जो व्यापारी हैं या फिर जो कैटल फील्ड के व्यापारी हैं वो इसको नहीं खरीदते हैं, वो दूसरे चारे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे हायर लेवल पर डिमांड कम रहेगी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाव अभी यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ ही आते हुए दिखाई देंगे। 3100 तक का लेवल मुझे लगता है कि वो जल्दी ही देखने को मिल सकता है। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड में भी आपने तेजी बताई थी, 7000 तक का लेवल देखने को बोला था, आपका टारगेट अचीव हो चुका है। अब देख रहे हैं 7100 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब यहां से आपको क्या लगता है, क्या यहां से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर यहां से अभी जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पे जो खरीदारी है वो अब थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी और आगे जो सीजन है वो भी अराइवल का रहेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अब और एक बार तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल देखिए ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड नेगेटिव हो गया, मगर फिलहाल छोटी अवधि के लिए जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदा है या निचले स्तरों पर खरीदा है उनके लिए सलाह है कि वे एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि काफी अच्छे लेवल्स हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पर एक बार जो बिकवाली है वो यहाँ बढ़ सकती है और नीचे भाव एक बार 6600 तक 6500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो डिप पर ही खरीदारी करके चले, करंट रेट पर देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी एक प्रेशर जो है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा।
जी यही से अनुजी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज हल्दी के अप्रैल वायदा में तेजी देखने को मिल रही है, 4% की बढ़त देखने को मिल चुकी है, 9,800 से कीमतें सीधा 10,100 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। आपको क्या लगता है ये जो 200-225 पॉइंट की जो तेजी है ये आज अचानक से इतना क्यों देखने को मिला है? देखिए यहाँ पे क्रॉप साइज कम देखने को मिला है, एक्सपोर्ट डिमांड भी, और देखें तो इस बार जो एकरेज है वो भी हल्दी की कम देखने को मिली है, और मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी यहाँ पे लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमने एक बढ़त बनते हुए देखी है। हालांकि अगर हम इसको कंपेयर करें जीरा और धनिया के से, तो अभी भी एक अंडर वैल्यूड स्पाइस लग रहा है हमें। हमें लगता है कि उसके चलते भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, और हमें लगता है कि अगेन हल्दी में यहाँ पर करीबन 10,800 से लेकर 10,000-11,000 तक के लेवल पुनः देखने को मिल सकते हैं। तो हल्दी मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड में रहना चाहिए। जी ये सनु जी बात करेंगे जीरे की, तो जीरा देख रहे हैं कि आपने 22,000 का टारगेट दिया था, अचीव हो चुका है। जीरे का मार्च वायदा 22,000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, जीरे में 2.25% की तेजी है। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जीरे में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी? क्या 22,000 के ऊपर जीरा टिक पाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए? देखिए हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट कैटेगरी में है और इस टाइम जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। हालांकि मसाले हैं तो डिमांड तो रहती है, मगर ज्यादा भाव होने की वजह से जनरली हम देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट डिमांड होती है वो कुछ कम हो जाती है। तो ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव ही रहेगा, मगर ये है कि करंट लेवल पे तो खरीदारी हमें सजेस्ट नहीं करने लगती है। हमें लगता है कि भाव अगर नीचे 20,500-21,000 तक मिले तो ही खरीदारी का ट्रेड लें। अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक करने का समय है, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। जी अनु जी देख रहे हैं धनिया भी पीछे नहीं रहा है तेजी में, बल्कि आगे ही देखने को मिल रहा है। धनिया भी 11,100 के ऊपर टिका हुआ है, आपकी क्या राय रहेगी धनिया के ऊपर? क्या धनिया में भी जीरे की तरह ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए धनिया की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि धनिया में ट्रेंड एज कम्पेयर जीरा के थोड़ा अभी भी पॉजिटिव है। धनिया में हमें लगता है कि ऊपर में 11,400-11,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बने हैं, वॉल्यूम काफी अच्छे हैं काउंटर में, जहां पर हमें लगता है कि अभी भी जो मार्केट है वो सपोर्टिव रहेगी। फिजिकल साइड में जाएं तो इस बार क्रॉप थोड़ी कम देखने को मिल रही है और एक्सपोर्ट डिमांड भी है। मुझे लगता है कि कोरिएंडर में अभी भी जो तेजी का माहौल है वो कुछ बचा हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी ले सकते हैं। ऊपर में 11,300-11,500 तक के लेवल आपको धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जी अनुजी बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार सीड में देख रहे हैं तेजी देखने को मिल रही है, 6,400 के ऊपर है, लगभग 3% की बढ़त है। वही ग्वार गम अपसाइड रेंज में देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है अब ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या यहाँ से अब आगे चल के तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम जो है वो सपोर्ट लेवल के आसपास है, और क्रूड में भी जो तेजी देखी उसका भी असर यहाँ पे रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी रही है ग्वार गम में, हमें लगता है कि अभी ग्वार सीड ग्वार गम एक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा। हालांकि थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, उतनी हम तेजी और मंदी नहीं देख रहे हैं, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मगर अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलती है। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम में खरीदारी का ट्रेड ही आ सकता है। ऊपर में जो हम अभी फिलहाल टारगेट कर रहे हैं 6,550 से लेकर 6,000 का हम लेवल देख रहे हैं ग्वार सीड में, और ग्वार गम में हमें लगता है कि अगेन 12,000 तक के लेवल देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो खरीदारी का ट्रेड है वो हमें लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए, और हमारी सजेशन भी यही कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे खरीदारी की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। 6,100 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 6,500 तक के लेवल आपको ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। जी अनुजी मेंथा ऑयल में क्या लगता है, क्या मेंथा में यहाँ से अभी तेजी देखने को मिल पाएगी या फिर मेंथा का बाजार ऐसी अभी सुस्ती के साथ देखने को मिलता रहेगा? देखिए मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो ये आज इसने कॉन्ट्रैक्ट लो टेस्ट बनाया है नीचे। हालांकि मुझे लगता है कि जो 950 के स्तर हैं ये काफी अच्छे लेवल्स हैं, जहां पर बाइंग एक्यूमुलेट की जा सकती है। पहले भी हमने देखा था 950 से काफी अच्छा बाउंस बैक आया था। तो मेरी सलाह है कि जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो यहाँ पे निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और खरीदारी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन हुआ है तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी डिमांड लोअर लेवल पर देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 1,000 से लेकर 1,020 तक के लेवल मेंथा ऑयल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट से एग्जिट है और नई फ्रेश पोजिशन खरीदारी की ली जा सकती है। जी अनुजी अगला कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसा रह सकता है और आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे? देखिए अगला जो कारोबारी सत्र रहेगा उसमें हम थोड़ी वॉलिटिलिटी देखेंगे, मगर ट्रेंड ओवरऑल देखें तो मसालों में, ग्वार सीड में, कैस्टर में, ग्वार में यहाँ पर एक ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। हमें लगता है कि टॉपिक पे अगर जाएं तो
ग्वार में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में 6500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ मसालों की अगर बात करें तो टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में 10600 तक के लेवल टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट MCV पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।